नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर बुराडा से। बुराडा कस्बे में इस समय लंपी वायरस ने पशुपालकों एवं गोवंश को काफी परेशान कर रखा है। बुराडा निवासी समाज सेवी केदार साहू ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सभी मृत गायों को अपनी जेसीबी से जमीन में दफनाने कार्य कर रहे हैं। केदार चंद साहू ने बताया, गोवंश को लंपी वायरस से मृत गाय को ग्रामीणों द्वारा हर कहीं पटका जा रहा था और यह रोग मृत गायों से अन्य गाय में भी फैल रहा था, जिससे मानवता के नाते निःशुल्क जेसीबी की व्यवस्था कर रखी है और गत 5 दिनों से बुराडा व आसपास के क्षेत्र में करीब 15 गायों का वैज्ञानिक विधि से दफन करवाया गया। साहू ने अपनी प्रेरणा का स्रोत किशनगढ़ विधायक सुरेश टांग को बताया, जैसे वो गोवंश और गरीबों की सेवा के लिए रात दिन खड़े रहते हैं, वैसे उनसे प्रेरित होकर अपनी जेसीबी मशीन से मृत गायों के लिए खुदाई कर निःशुल्क दफनाने का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि साहू लगातार सामाजिक सरोकार एवं मानवता के कामों में अग्रणी रहते हैं। कोरोना के समय भी इन्होंने बुराडा के आसपास के क्षेत्रों में भोजन, मास्क, ऑक्सीजन व अन्य रसद सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगातार आम जन से जुड़े हुए रहते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप हाल ही में संपन्न आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस पर सरवार उपखंड स्तर पर सम्मानित हुए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक सुरेश टांग एवं केदार साहू का आभार